माननीय मुख्यमंत्री जी से हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ के पदाधिकारी मिले, बड़े अच्छे वातावरण में बातचीत हुई और कुल मिलाकर देश और प्रदेश के हित में ऐसा निर्णय हो जिससे देश का नाम बदनाम भी ना हो, खेल और प्रदेश का नुकसान भी ना हो। कोई ये नहीं चाहता कि किसी भी शहीद के परिवार को ठेस पहुंचे। हम सभी लोग उनका सम्मान करते हैं, मान करते हैं, और जो शहीद देश के लिए मर मिटता है उसी भारत देश के नाम पर कोई धब्बा ना लगे, हम सबका ये भी प्रयास रहेगा। निश्चित तौर पर सकारात्मक कोई निर्णय बनकर निकले, इसी में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और ये भी चर्चा हुई कि जब तक भारत पाक के आपस में संबंध अच्छे नहीं हो जाते, पाकिस्तान की हरकतें में सुधार नहीं हो जाता, तब तक जो बायलेटरल सीरीज है उसके लिए हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और हिमाचल प्रदेश उसके लिए तब तक हाँ नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि ये विश्व कप है और एक वर्ष पहले इसके आयोजन की तिथियां स्थान तय हो चुके थे, ये देश की प्रतिष्ठा मान सम्मान का सवाल है, इसलिए हर व्यक्ति यही चाहेगा कि हम हर व्यक्ति से अनुरोध करें, व्यक्तिगत तौर पर भी और मीडिया के माध्यम से भी, कि आइए देश के नाम पर, तिरंगे के नाम पर सब एकजुट होकर इसको आगे करें और सफलतापूर्वक आयोजन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना समय दिया और सभी जो वरिष्ठ विधायकगण, मंत्रीगण थे, उन्होंने भी अपनी ओर से आश्वासन दिया है कि सकारात्मक इस पर निर्णय करने का वो प्रयास करेंगे और विचार कर अवगत करवाएंगे। देखिए, मैंने जैसे कहा कि प्रदेश और देश के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसका देश और प्रदेश पर कोई दाग ना लगे, और कोई ये नहीं चाहता कि विश्व कप के माध्यम से कोई ऐसी बुरी खबर, कोई ऐसा निर्णय किसी को करना पड़े जिससे हमारे प्रदेश और देश की छवि को नुकसान पहुंचे।